नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर धौलपुर से है। उदयपुर में आतंकवादियों द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए की गई कन्हैयालाल टेलर की जघन्य हत्या के मामले में विरोध स्वरूप आज धौलपुर जिले का बाड़ी कस्बा पूरी तरीके से बंद रहा। बंद को लेकर विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा ऐलान किया गया था और इसे व्यापारी वर्ग ने समर्थन दिया। ऐसे में कस्बे के सभी बाजार बंद रहे, साथ ही चाय की थड़ी और सब्जी की दुकानें तक बंद रही, जिसके चलते लोग चाय पीने और सब्जी खरीदने के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के आह्वान पर किए गए बंद में शहर के विभिन्न बाजारों की दुकानें के शटर सुबह से नहीं खुले हैं। खुद एडिशनल SP बच्चन सिंह मीणा कस्बे में मोर्चा संभाले हुए हैं और सभी से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के साथ शांति रखने की अपील की है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बंद को लेकर अलर्ट मोड पर है और जगह जगह पुलिस का जाप्ता तैनात है। 28 जून 2022 को उदयपुर के अंदर कुछ जेआरडीओ द्वारा हिंदू कन्हैयालाल की हत्या की गई, उसके विरोध में संपूर्ण प्रदेश भर में जन आक्रोश रैलियाँ और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी को लेकर आज बाड़ी में सर्व समाज समस्त सामाजिक संगठनों के द्वारा सामूहिक रूप से एकता का परिचय देते हुए प्रशासन का सहयोग करते हुए धारा 144 की पालना करते हुए शांति और सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बाजार बंद रखा गया है और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम उपखंड अधिकारी बाड़ी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि हत्यारे को फास्ट ट्रैक के माध्यम से जल्द फैसला सुनाया जाए और फैसले में फांसी की सज़ा सुनाई जाए अपराधी को, तो अपराधी ने बहुत जघन्य अपराध किया है। आज सभी समाजों के एवं बाड़ी शहर के प्रबुद्ध जनों के माध्यम से बाड़ी शहर को बड़ी शांतिपूर्वक बंद कराया गया। इसलिए हम बहुत बाजार वालों को, शासन को धन्यवाद देते हैं। ऐसी की अपनी घटना में शांतिपूर्वक बाड़ी का बाजार बंद रहा। हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को और SDM साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, उसमें हमारी मांग रखी गई, जिसने भी जघन्य अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि आने वाले समय में ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सके। यही हमारी मांग रखी है और यही हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ संपन्न हो और बाड़ी के अंदर अमन चैन बना रहे। आज सभी समाज के लोगों ने अपने स्वविवेक से बाजार बंद किया है, तो शांतिपूर्ण बाजार बंद है और सभी संगठनों से हमारी कल भी बात हुई थी, आज ही बात हुई, बाड़ी में सब अमन चैन है और सुख शांति।